नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं शिवपाल कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट। दोस्तों आज हम फिर एक नई दवा लेकर आए हैं जिसका नाम है A to Z टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में बताने से पहले आप लोगों को बता दूं, हम इस चैनल के माध्यम से सेहत से संबंधित और दवाइयों से संबंधित जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। अगर आप भी सेहत से संबंधित और दवाइयों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की, तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, तो पहले उनके बारे में बात करेंगे। इसमें मल्टी विटामिन और मिनरल्स और इसके अलावा लाइकोपिन इसमें ऐड किया गया है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और लाइकोपिन। और विटामिन की बात करें तो विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 और विटामिन ए और फोलिक एसिड भी इसमें ऐड किया गया है। अब हम मिनरल की बात करें तो इसमें जिंक ऑक्साइड, मैग्नीज क्लोराइड, कॉपर ग्लूकोनेट और इसके अलावा सोडियम सेलेनाइट भी इसमें ऐड किया गया है। अब इसकी उपयोग की बात करें तो ये कमजोरी दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा मानी जाती है और डॉक्टर्स द्वारा भी लिखी जाने वाली सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। ये एल्केम कंपनी द्वारा बनाई गई है और ये एल्केम कंपनी का अच्छा ये प्रोडक्ट भी है। तो आप इसको दिन में एक बार खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, डायरिया हो सकता है और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, स्किन पर रेसेस भी पड़ सकते हैं, आपके फेस पर, आपके जो चेहरे पर सूजन आ सकती है और जिब में सूजन आ सकती है, गले में सूजन आ सकती है। तो इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस की, सावधानियों की, तो इसकी कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए इस दवा को लेने से पहले। शराब में इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या शराब पीने वालों को सलाह दी जाती है कि इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से इसके बारे में सलाह ज़रूर लें। गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी सलाह दी जाती है कि वो इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से ज़रूर सलाह लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमको बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।